తెలంగాణ నుంచి నిరంకుశ పాలనను విముక్తి చేసే బాధ్యత బీజేపీ కార్యకర్తలపై ఉందని ఛత్తీస్‌గఢ్ మాజీ సీఎం రమణ్ సింగ్ అన్నారు. కేసీఆర్ సర్కారు పతనం ప్రారంభమైందన్నారు. తెలంగాణలో కాషాయ జెండా ఎగరవేస్తామని చెప్పారు. తెలంగాణలో రాబోయేది బీజేపీ పార్టీ అని వ్యక్తం చేశారు. आपके मन में लगता है कि इस बेईमान भ्रष्ट पापी सरकार को जड़ से उखाड़ देना है. पापी और पाखंडी के चंद्रशेखर राव की सरकार उल्टी गिनती शुरू हो गई है. ये यात्रा इस बात का प्रतीक है कि आज आने वाला कल भारतीय जनता पार्टी का होगा, कमल निशान का होगा, आपका होगा. कि तेलंगाना की सबसे बड़ी समस्या यदि है तो बेरोजगारी की समस्या है. लाखों नवयुवक बेरोजगार हैं, 1,35,000 पोस्ट खाली पड़े हैं जिसको भरने का काम आज तक नहीं किया गया. इस तरह भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस भ्रष्ट और बेईमान सरकार को मैं तो छत्तीसगढ़ से चल के आया हूँ. आप मुझसे ज्यादा जानते हैं कि सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है. आप लोगों की भागीदारी, जन सैलाब आ रहा है, मैं उसके लिए आया हूँ और मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ. अपने शुभकामना दे रहे सबको यही कहने आया हूँ कि तेलंगाना में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार यदि बनाना है, दोनों हाथ उठा के एक बार भारतीय जनता पार्टी का नारा लगाएंगे. भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद. एक पंक्ति के साथ अपनी बात मैं समाप्त करना चाहूंगा. नूर की एक किरण जुल्मत पर भारी होगी, रात उनकी ही सही, सुबह हमारी होगी, सुबह हमारी होगी. और अटल जी ने कहा था, जब जब पाप बढ़ता है, जब जब अंधेरा बढ़ता है, जब जब अत्याचार बढ़ता है, जब जब ऐसे मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है, उसके बाद क्या होता है. अटल जी ने कहा था बॉम्बे की सभा में, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा. दोनों ताली बजा के सूरज कमल खिलेगा, अंधेरा छटेगा. आपके जोश खरोश और आप जिनको सुनना चाहते हैं, हमारे माननीय अध्यक्ष जी को जिनका परिश्रम, जिसका मेहनत और संगठन की पूरी टीम जिस प्रकार लगी है, उन सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन.